जब भी दो विपरीत विचारधारा के लोग आपस में मिलते हैं या दो विपरीत विचारधारा के समूह आपस में मिलते हैं तो उनके बीच युद्ध वाली स्थिति शुरू हो जाती है। ये युद्ध वाली स्थिति शुरू होने का मूल कारण उनकी विचारधारा या फिर उनका नेचर या उनका प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उन दोनों के ही गुणधर्म एक दूसरे से विपरीत होते हैं। कुछ ऐसा ही होता है एसिड और बेस के केस में। एसिड और बेस, ये दोनों के नेचर एक दूसरे के ठीक अपोजिट अर्थात रिवर्स होते हैं। ये कारण है कि ये दोनों जब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके बीच रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को बहुत पहले से रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट ने कर लिया था कि हमारे चारों तरफ जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें कुछ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस थे, एसिड बेस रिएक्शंस जिनको हम बोलते थे, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस थे, या डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस थे। इन सभी में दो विपरीत नेचर अर्थात दो अपोजिट नेचर के कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते थे। नमस्कार, मैं कुमार सुधीर और आप मुझे देख रहे हो मेरे YouTube चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में बताने का प्रयास बहुत पहले से लोग साइंटिस्ट करते आ रहे थे। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट बॉयल का। रॉबर्ट बॉयल एक्चुअली फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे उन्होंने कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया था। उन्होंने कहा था कि वैसे कॉम्प्लेक्सेस, वैसे कंपाउंड्स जो सावर टेस्ट के होंगे, खट्टे होंगे, उनको उन्होंने एसिड के रूप में रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि दोज सब्सटेंसेज विच आर सावर इन टेस्ट आर टर्म्ड एज एसिड एंड एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। सेम थिंग्स उन्होंने इसी चीज को बेस के लिए भी अप्लाई किया था। उन्होंने सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर आर टर्म्ड एज बेस, ये चीज रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। लेकिन रॉबर्ट बॉयल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1661 के आसपास का थ्योरी था, यानी 1661 ईस्वी में उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि हमारे चारों तरफ के जो भी सब्सटेंस है इनको हम एटलीस्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये सब्सटेंसेस को टेस्ट के अकॉर्डिंग टू हम डिस्टिंग्यूश करेंगे। इसके लिए बेसिकली उस समय ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर फोकस था, अर्थात लेमन जूस, अदर सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, इन सभी में जो भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं उन सभी को एक एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि इनका टेस्ट सावर होता था यानी खट्टा होता था। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी। कारण ये था कि ये टेस्ट के ऊपर बेस्ड था, और आज हमें पता है कि कई ऐसे एसिड हैं जिनको कि हम टेस्ट करके एटलीस्ट नहीं बता सकते हैं कि वो एसिड होगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाईली कोरोसिव हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि उनको टेस्ट किया जा सके। तो इस चीज़ को समय बीतता गया और जो पहला सबसे ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी जो आता है वो आता है लेबोजियर्स ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ एसिड। ये थ्योरी 1776 में आया था, 1776 ईस्वी में लेबोजियर ने ऑक्सी एसिड का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका ये मानना था कि एसिड जो भी होगा वो ऑक्सीजन को कंसिस्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कंसिस्ट करने वाले सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे कई एसिड्स को लेबोजियर ने एक्सप्लेन किया था जो कि ऑक्सीजन कंसिस्ट करते हैं। और उन्होंने बताया था कि जो ये एसिडिक बिहेवियर है ये उसके ऑक्सीजन होने के कारण हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को ही मेन एलिमेंट माना गया था जिससे कि एसिडिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कंपाउंड में जो ये एसिडिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीजन के कारण हो रहा है, ये लेबोजियर का मानना था। उसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था सर हम्फ्री डेवी, जो 1810 में यानी 1810 ईस्वी में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हाइड्रा एसिड का था। लेकिन ये कोई एसिड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक्चुअली वेल एक्सप्लेन्ड नहीं था इनका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इन्होंने कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स को रिकॉग्नाइज किया था जो कि एसिडिक बिहेवियर तो शो करते हैं लेकिन उनमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। जैसे हम HF की बात करें, हम HCl की बात करें, हम HBr की बात करें, HI यानी जितने भी ये हैलाइड और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, इनका नेचर तो एसिडिक है बट इनके पास ऑक्सीजन कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। तो ये थ्योरी भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसके बाद जस्टिस वॉन लाइविंग 1838 में आते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक रिएक्शंस को ही आधार बनाते हैं। इन्होंने कहा कि बेसिकली एसिड हम वैसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे जो कि मेटल से अगर वो रिएक्ट कर रहा है और H+ आयन रिलीज कर रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस अगर लिबरेट कर रहा है, यानी उन्होंने उन सारे कॉम्प्लेक्सेस को एसिड के रूप में रिप्रेजेंट किया था
जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट करते हैं। लेकिन सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम आज जानते हैं कॉपर है, आयरन सॉरी गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर है, जिनको कि आप नोबल मेटल के रूप में जानते हो। ये नोबल मेटल, कोई भी नोबल मेटल एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं रही। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आता है अरहेनियस कॉन्सेप्ट, इट मीन्स वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, जो कि 1884 में आया था। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी बना था। कारण ये था कि ये कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी था। प्रैक्टिकल बेस्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट के रूप में था। प्रैक्टिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स एसिड है या फिर नहीं है, क्योंकि अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सप्लेनेशन नहीं थे। हम रॉबर्ट बॉयल की भी अगर बात हमने की, लैवाज़ियर की बात की, सर हम्फ्री की हमने बात की, जस्टिस बॉयविंग बिंग की हमने बात की, तो इनके किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। और जब तक कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं आता है वैसे केस में वो डेफिनेशन ट्रू डेफिनेशन नहीं माना जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रू डेफिनेशन, सो 100% आइडियलिटी इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। 100% तो आइडियलिटी किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अरहेनियस का कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। इन्होंने कहा था दोज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज एसिड विच फर्निश H plus ion in aqueous media and those compounds are termed as base which furnish OH minus ion in aqueous media. Aqueous media it means in water system. So इस थ्योरी को वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें वैसे सारे कॉम्प्लेक्स जो कि H plus ion अगर वो रिलीज कर रहा है या H3O plus ion, अरहेनियस कॉन्सेप्ट यानी वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट में उन सारे कॉम्प्लेक्सेस को एसिड के रूप में अज्यूम किया गया था जो कि या तो एच प्लस आयन रिलीज करते हो या H3O प्लस आयन। एक्चुअली एच प्लस एंड H3O प्लस ये दोनों एक ही चीज हुआ, क्योंकि जब भी आप वाटर में अगर एसिड को डालोगे और अगर वो एच प्लस अगर बाहर आ रहा है तो वो एच प्लस का एग्जिस्टेंस नहीं होगा वाटर में, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो वाटर के साथ मिलकर H3O प्लस का फॉर्मेशन करेगा। और इसी सिस्टम में उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में अगर डाला जाए, अगर वो OH माइनस आयन को अगर वो फर्निश कर रहा है तो वैसे केस में वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड बेस कहलाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि H प्लस का एग्जिस्टेंस वाटर में पॉसिबल नहीं है, वो ये कारण है कि जब हम H प्लस की बात करते हैं तो H प्लस जैसे ही वाटर के साथ मिलता है ये H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है। एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको प्रोटियम आयन बोलते हैं और इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज प्रोटियम एंड दिस वन इज हाइड्रोनियम। और ये बनता क्यों है, क्योंकि अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। एंड जब हम एक H प्लस की बात करते हैं तो H प्लस का मतलब हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही वो H प्लस आता है तो ये H प्लस इस दो इलेक्ट्रॉन को जो कि लोन पेयर है इस ऑक्सीजन का, उसको कोऑर्डिनेट कर लेता है। और ये कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है तो ये चार्ज अब टोटल ओवरऑल के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे इस ये हाइड्रोजन एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है, और इस तरह से ये एक स्टेबल आयन फॉर्म करता है और इस आयन को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ये चीज सारे एसिड्स के साथ होता है। जैसे आप अगर HCl लेते हो और इसको अगर आप वाटर में अगर आप डाल रहे हो तो पहले क्या होगा कि HCl H प्लस एंड Cl माइनस के रूप में आएगा और वो H प्लस H2O के साथ मिलकर H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है एंड Cl माइनस। आप अगर इसी रिएक्शन को लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी आप लिख सकते हो H प्लस एंड प्लस Cl माइनस। हम अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात करें, और एक चीज यहाँ पे हम लोग वाटर एरो के ऊपर दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमने चूंकि वाटर को एरो के ऊपर दिखा दिया है तो मैंने यहाँ पे H प्लस यूज किया। आप अगर वाटर को एड के फॉर्म में दिखा रहे हो तो H3O प्लस का आप यूज करोगे, बिकॉज H प्लस एंड H3O प्लस बोथ आर आइडेंटिकल हियर। यहाँ ध्यान रखना ये दोनों सेम तो नहीं है बट हाँ आइडेंटिकल है, मोर और लेस बराबर एक ही चीज है ये, क्योंकि H प्लस का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। जैसे ही ये वाटर के साथ डिजोल्व होगा, जैसे वाटर कॉन्टैक्ट में जाएगा तो ये वाटर के साथ ज्वाइंट होकर के H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और ये चीज सारे के सारे एसिड करते हैं। जैसे मैं और भी कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे H2SO4 आप ले लो,
और आप इस H2SO4 को जैसे ही वाटर के साथ आप लेते हो तो ये फिर से H3O प्लस बनाता है एंड HSO4 माइनस का फॉर्मेशन करता है। अब है क्या कि सर अगर मान लो कि सारे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास हाइड्रोजन है वो सभी के सभी ऐसा कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये नेचर कुछ एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्सेस में होता है, जैसा जिनको कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया है। अब आप अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स लेते हो जैसे हम अभी तत्काल अगर NH3 अगर ले लें, मैं यही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि आगे भी इसका यूज होगा, तो अगर मैं NH3 को अगर लेता हूँ और NH3 को अगर वाटर में डिजोल्व करूंगा तो NH3 के पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट वो हाइड्रोजन H+ के रूप में फर्निश नहीं होंगे और ये कारण है कि वो H3O+ का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी NH3 कैन नॉट बी कैटेगराइज एज एसिड और बेस। ओके, सो H3O+ एंड HSO4-। अगर हम फिर से अगर कोई दूसरा एक एसिड लेते हैं, जैसे अगर HNO3 ले लूँ, नाइट्रिक एसिड, इसको भी अगर आप वाटर सिस्टम में अगर डालते हो, वाटर में आप अगर डिजोल्व करते हो तो ये H+ देगा एंड NO3- देगा। आप अगर कोई एक ऑर्गेनिक एसिड लेते हो CH3COOH, इसको आप अगर वाटर में अगर आप डालते हो तो उस केस में ये CH3COOH एंड H3O+ देगा। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि H2SO4H2O, तो मैंने H3O+ एंड HSO4- बनाया है, तो यहाँ पर जो ये HSO4- है, इस HSO4- को फिर से अगर आप वाटर में अगर डिजोल्व करो, यानी उसी वो में अगर वाटर का अमाउंट अगर बढ़ाते हैं, तो वैसे केस में ये H3O+ एंड SO4- का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्या एसिटिक एसिड के केस में ये तीनों हाइड्रोजन लिबरेट होंगे? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज एक स्पेसिफिक होगा कि कुछ एक हाइड्रोजन ही H+ के रूप में बाहर आते हैं कॉम्प्लेक्स से, और वैसे सारे कॉम्प्लेक्स, जैसा कि अरेनियस ने सजेस्ट किया था, वो सारे कॉम्प्लेक्स जो कि H+ या H3O+ अगर वो फर्निश कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, तो उनको हम एसिड के रूप में हम एज्यूम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी कॉम्प्लेक्सेस अगर OH- आयन अगर वो फर्निश कर रहा है तो उनको हमें बेस के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बेस के लिए हम लोग कोई भी अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ अगर एक्वस मीडिया में जाएगा तो Na+ फॉर्म करेगा और OH- सोडियम हाइड्रोक्साइड के आज के डेट में वो टैबलेट्स के रूप में आता है। तो जब तक ये टैबलेट्स के फॉर्म में होता है तब तक तो NaOH है, लेकिन जैसे ही आप उसको डिस्टिल वाटर में आप मिलाते हो तो वैसे केस में वो Na+ एंड OH- आयन फर्निश करता है, इसलिए आप इसको एक बेस के रूप में रिकॉग्नाइज करते हो। मैं अगर MgOH2 की अगर मैं बात करूं और इसको भी अगर आप एक्वस मीडिया में अगर आप डालते हो तो ये Mg++ एंड OH- का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड या इस तरह के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो कि OH- आयन अगर फर्निश कर रहे हैं एक्वस मीडिया में, तो हम उनको बेस के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये चीज अरहेनियस का कॉन्सेप्ट था। इट मींस कि अरहेनियस का जो थ्योरी है वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। प्रैक्टिकल बेस्ड यानी आप करके देखोगे कि हाँ ऐसा हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ दिस वन एसिड एंड दिस वन। अरहेनियस के कॉन्सेप्ट में एक बेनिफिट ये था कि हम अरहेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू वैसे कॉम्प्लेक्सेस को भी हम एसिड के रूप में एज्यूम कर सकते थे जो ना तो हाइड्रोजन कंसिस्ट करते थे फिर भी हम उनको एसिड मानते थे। जैसे जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, तो आप अगर किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में जब आप डिजोल्व करते हो तो वो H+ आयन फर्निश करता है। एग्जांपल के रूप में हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड लें और इसको अगर वाटर में अगर डिजोल्व किया जाए तो वैसे केस में ये H+ एंड HCO3- का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली अगर आप सल्फर के ऑक्साइड, आइदर सल्फर डाई और ट्राइऑक्साइड आप लेकर अगर वाटर में अगर हम डिजोल्व करते हैं तो उस केस में भी ये H+ एंड HSO4- का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर उन सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड के रूप में अज्यूम किया गया था और सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड को बेस माना गया था। कारण ये है कि जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक MgO, लाइक सोडियम ऑक्साइड, तो जब आप इनको जब आप वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो आप देखते हो कि ये कहीं ना कहीं बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं MgOH2, क्योंकि ये फिर से आयनाइज होगा क्योंकि वाटर सिस्टम में आपने डाला है। Mg++ एंड OH- का फॉर्मेशन करेगा। जब आप Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में जब आप वाटर को डिजोल्व करोगे तो वैसे केस में ये NaOH का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये वाटर सिस्टम में है तो Na+ बनाएगा और OH-। यानी अरहेनियस ने अपने थ्योरी से ये एक्सप्लेन कर दिया कि हम सिर्फ वैसे कॉम्प्लेक्स को
एसिड नहीं मानेंगे जिनके पास ऑक्सीजन हो या जिनके पास हाइड्रोजन हो, हम उन कॉम्प्लेक्सेस को एसिड मानेंगे जो कि वाटर में डालने पे H प्लस फर्निस करेंगे उनको एसिड माना जाएगा, और जिनको वाटर में डालने के बाद अगर वो OH माइनस आयन अगर फर्निस कर रहे हैं तो उनको बेस माना जाएगा। ये थ्योरी, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद जो अगला थ्योरी आता है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो कि 1923 में आया था। एक चीज और कि जब भी एक न्यू थ्योरी डेवलप होती है तो ऐसा नहीं है कि पिछला थ्योरी गलत हो गया है, ये एक्चुअली उसके डेवलप्ड वर्जन को एक्सप्लेन करता है। यानी जितने भी अरहेनियस एसिड होंगे इस बात की फुल गारंटी है कि वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होंगे, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अरहेनियस का एसिड हो जाए। तो किसी भी थ्योरी को यहाँ पे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक एडवांस के रूप में आता था, यानी अगला जो थ्योरी आता था वो पिछले से ज़्यादा एडवांस होता है। और ये चीज़ साइंस के सारे कॉन्सेप्ट में अप्लीकेबल है कि जो भी अगला कॉन्सेप्ट आता है वो पिछले वाले से ज़्यादा एडवांस होता है, यानी उसका बाउंड्री और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बाउंड्री और ज़्यादा बड़ा होने का मतलब हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर सकता है। उन सारे कॉम्प्लेक्स को भी वो एक्सप्लेन कर सकता है जो पिछली थ्योरी में नहीं हो सका था। तो ब्रॉन्स्टेड का जो थ्योरी था ये बॉन्डिंग बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। बॉन्डिंग बेस्ड एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब हम कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी कॉम्प्लेक्स के बॉन्ड को देख करके हम ये समझ जाते थे कि वो एसिड होगा या बेस होगा। इसको बेसिकली प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग टू उन सारे कॉम्प्लेक्स को हम एसिड मानेंगे जो प्रोटोन डोनर होंगे। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोटोन डोनर्स आर एसिड एंड प्रोटोन एक्सेप्टर्स आर बेस। तो इससे क्या हुआ कि हम उन सारे कॉम्प्लेक्स को जिसको कि अरहेनियस ने एसिड माना था उनको तो हम एसिड मान ही रहे थे, लेकिन उनको भी हमने एसिड के रूप में एक्सप्लेन किया जो कि अरहेनियस ने एसिड नहीं माना था। जैसे कि अरहेनियस की थ्योरी में को, जैसे कि अगर मैं H2SO4 लेता हूं तो अरहेनियस ने कहा था कि उसके लिए वाटर नेसेसरी है। अगर आप वाटर नहीं लोगे, वाटर में उसको डिसॉल्व नहीं करोगे तो आप नहीं बता सकते हो कि एसिड होगा या नहीं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती थी कि नहीं, वाटर का कोई जरूरत नहीं है, हम उस कॉम्प्लेक्स के बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देंगे और इससे ये पता चल जाएगा कि वो H प्लस को रिलीज करेगा या फिर H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर वो H प्लस को, यानी प्रोटोन को, ध्यान रखिए यहाँ पे H प्लस को इन्होंने प्रोटोन कहा था, तो अगर H प्लस अगर वो रिलीज कर रहा है तो हम उसको एसिड के रूप में अज्यूम करेंगे, और अगर H प्लस को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसको बेस के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर मैं फिर से H2SO4 ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो H2SO4 की अगर मैं बात करूं तो ये H प्लस एंड HSO4 माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पे H2SO4 एसिड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और क्योंकि ये H2SO4 H प्लस यानी एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो मैंने इसको एसिड माना है। बट जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस कि अगर ये रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए, उल्टा अगर, मतलब कि HSO4 माइनस कहीं से आया और उसने H प्लस को एब्जॉर्ब कर लिया और H2SO4 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे HSO4 माइनस का ये टेंडेंसी है कि उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, तो बेस के जैसा है। जबकि अरहेनियस का कॉन्सेप्ट इस कंपाउंड को बेस एक्सप्लेन नहीं करता था, तो अरहेनियस का कॉम्प्लेक्स इसको एसिड एक्सप्लेन करता था, तो क्या ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट इसको एसिड एक्सप्लेन करेगा? तो यस। अगर मान लीजिए कि अब हमारे पास फिर से HSO4 माइनस है और ये इस बार H प्लस प्रोवाइड कर रहा है और SO4 डबल माइनस प्रोवाइड कर रहा है, तो वैसे केस में ये कंपाउंड हमारा एसिड होगा। अब ये SO4 डबल माइनस हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि SO4 डबल माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके फिर से HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो सकता है। तो SO4 डबल माइनस बेस हुआ और HSO4 माइनस एसिड हुआ। तो यहाँ से कंजुगेट पेयर की बात हुई, यानी वैसे पेयर जिनके बीच सिर्फ एक H प्लस का अगर डिफरेंस हो तो उनको हम कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं। इस थ्योरी का ये फायदा हुआ कि मान लीजिए आपने अमोनियम आयन के बारे में सुना होगा, अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब अमोनियम आयन्स का अगर अवेलेबल अगर है तो वो बना किससे है, तो अमोनिया से। तो जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो NH3, तो ये NH3 अगर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके
अगर NH4+ में अगर यानी अमोनियम आयन में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया का जो नेचर है वो प्रोटोन एक्सेप्टर का है। तो जब ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो वैसे केस में ये क्या कहलाएगा, तो बेस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट। बट यही NH3 अगर एक H+ अगर लूज कर दे तो वैसे केस में ये NH2- एमाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर जो अमोनिया हमारा है ये एक प्रोटोन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये प्रोटोन को डोनेट कर रहा है। तो जब ये प्रोटोन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है तो मैं इसको एसिड के रूप में यहाँ पे अज्यूम करूंगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बॉन्डिंग बेस्ड एक्सप्लेनेशन था, अर्थात बॉन्डिंग कैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्लेन करते थे कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड होगा या कौन सा कंपाउंड हमारा बेस होगा। क्योंकि इस थ्योरी में हम प्रोटोन यानी H+ जितने भी कॉम्प्लेक्स अगर वो एसिड हैं तो इस बात की फुल गारंटी है कि वो प्रोटोन को डोनेट करेंगे या डोनर होंगे। और अगर वो प्रोटोन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनको हम बेस के रूप में अस्यूम करेंगे। तो ये थ्योरी ब्रॉन्स्टेड की जो है ये उन सारे एसिड को एक्सप्लेन करती है जिसको कि अरहेनियस ने एक्सप्लेन किया था। यानी Bronsted-Lowry का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डेवलप्ड थ्योरी था, ज़्यादा डेवलप्ड डेफिनेशन दिया था अरहेनियस के कंपैरिजन में। यानी अरहेनियस से ज़्यादा डेवलप्ड Bronsted का थ्योरी है। इसी चीज़ को लेकर आगे जब हम बढ़ते हैं तो लेविस का कॉन्सेप्ट आता है। वो एक ही समय की बात है, 1923 में ही ये अगला थ्योरी लेविस ने दिया था। क्योंकि लेविस वो पहले साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के जिन्होंने सारे थ्योरी साइंटिस्ट हैं जो कि केमिस्ट्री के सारे थ्योरीज को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के रूप में अप्लाई किया और इस चीज़ को सामने रखा कि इलेक्ट्रॉन्स ही सारे केमिकल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये काम लेविस ने किया था। तो लेविस का ये कॉन्सेप्ट था कि प्रोटोन डोनर होना अर्थात H+ को डोनेट करना ये सेकेंडरी मैटर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनके पास हाइड्रोजन है बट वो H+ के रूप में रिलीज नहीं कर सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस चीज को एक्सप्लेन लेविस ने किया कि कोई भी ग्रुप H+ को रिलीज तभी करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। क्योंकि जब तक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक H+ आयन रिलीज नहीं हो सकता है। तो ये चीज लेविस ने कहा था। तो लेविस ने अपने थ्योरी में कहा था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी एटम जो कि लोन पेयर एक्सेप्टर अगर है तो वो एसिड के रूप में जाना जाएगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर टर्म्ड एज एसिड एंड लोन पेयर डोनर्स आर टर्म्ड एज बेस। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स तभी H+ आयन रिलीज कर सकता है, तभी तक वो H+ अर्थात प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो H+ कभी बाहर नहीं जा सकता है। तो लेविस का जो कॉन्सेप्ट था ये Bronsted की थ्योरी से भी ज्यादा डेवलप्ड माना गया, क्योंकि इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन की बात की गई थी। जैसे अगर हम HSO4- की ही चलो बात करते हैं जो कि Bronsted वाला एसिड है, तो ये H+ को तभी रिलीज कर सकता है ना जब SO4- इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अगर SO4- हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वैसे केस में H+ कभी बाहर नहीं जा सकता। जैसे अगर हम मीथेन अगर ले लें CH4, तो CH4 में ये पॉसिबिलिटीज ही नहीं बनती है कि ये H+ का फॉर्मेशन करे और CH3- का फॉर्मेशन करे। ये चीज पॉसिबल नहीं है। इट मींस कि हम इसको एसिड के रूप में या बेस के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो लेविस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। और लेविस के कॉन्सेप्ट से हम Bronsted के भी एसिड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अरहेनियस के भी एसिड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे थ्योरीज में जो भी दिया गया है तो बेसिक वही है कि इलेक्ट्रॉन को चूंकि वो इंटरनल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को चूंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वैसे केस में H+ आयन वहां पे रिलीज हो जाता है। तो आप बताते हो कि हाँ ये एसिड है। और अगर H+ यानी प्रोटोन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ बेस है। तो लेविस का जो कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन बेस्ड एक्सप्लेनेशन था। इलेक्ट्रॉन बेस्ड होने से फायदा क्या हुआ, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ऐसे एटम्स को भी हम एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे जिनको कि ना तो अरहेनियस एक्सप्लेन कर पा रहे थे और ना ही Bronsted-Lowry कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं जितने भी मेटल या नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो ये लेविस का कॉन्सेप्ट
सभी को एक्सप्लेन कर सकता है कि कौन एसिड होगा और कौन एसिड नहीं होगा। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर इस क्लोरीन का ये नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए एसिड होगा। और Cl- की अगर हम बात करें तो Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वैसे केस में ये Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, बाद में फिर 1/2 Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो ये Cl- है ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये बेस होगा। हम किसी मेटल की अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा और Na+ में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में सोडियम हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो जब ये लूज कर रहा है ये बेस कहलाएगा, अर्थात हमारा जो Na होगा वो बेस होगा। और जो Na+ की अगर हम बात करें तो Na+ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फिर से Na में कन्वर्ट होगा, तो हम इसको यहाँ पे एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस थ्योरी से कई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को सॉल्व किया गया, जिसमें कि अगर हम NH3 और AlCl3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जैसा आप जानते हो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड Al का 3 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ईच क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ है और इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ है। लेकिन अगर आप एल्युमिनियम का अगर देखोगे तो एल्युमिनियम ने क्या किया, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 and 2, 6। तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि NH3 वाले लोन पेयर का एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके एक नया कॉम्प्लेक्स या नया एडक्ट बनाता है जो कि ये वाला NH3 AlCl3 है। तो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन लेबिस ने किया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक सॉल्ट बना हुआ है और चूंकि NH3 जो है ये लोन पेयर डोनर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये हमारा बेस होगा, और AlCl3 चूंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारा एक एसिड होगा। और इसीलिए AlCl3 को लेबिस एसिड कहा जाता है और इसका यूज कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम इस AlCl3 की बात करें जिसको कि लेबिस ने एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज किया क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता था, इस चीज को न तो अरहेनियस एक्सप्लेन कर पा रहे थे और न ही ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी में की जा सकती थी, क्योंकि आप AlCl3 को अगर वाटर में डालोगे तो ये H+ आयन फर्निश नहीं करेगा। आप ब्रॉन्स्टेड यानी AlCl3 जो है हमारा, न तो ये प्रोटोन डोनर है और न ही प्रोटोन एक्सेप्टर है, लेकिन चूंकि ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, चूंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो लेविस ने कहा कि नहीं ये एसिड होगा और इसका नेचर एसिडिक होता है। अगली जो थ्योरी आई थी वो ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट था, ये कोई एसिड बेस नहीं था, ये बेसिकली था क्या कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स, तो वो इट्सेल्फ अपने आप में ही एसिड भी है और बेस भी है, अर्थात ये डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर H2O लिया गया है सिस्टम में, तो इस केस में ये H3O+ एंड OH- के रूप में उस सिस्टम में इक्विलिब्रियम फेज में होगा। तो यहां पर जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों सेल्फ आयोनाइज होंगे, इनको ऑटो आयोनाइजेशन बोला जाता है, सेल्फ आयोनाइज खुद में आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो इसमें जो एक वाटर है वो H+ अर्थात प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा वाला प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है उसको मैं, जो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है उनको हम, उस वाटर मॉलिक्यूल को मैं एसिड के रूप में रिकॉग्नाइज करूंगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल की प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको मैं बेस के रूप में रिकॉग्नाइज करूंगा। तो ये चीज था एसिड और बेस का, समय के साथ अलग अलग एक्सप्लेनेशन आए हैं, अलग अलग टाइम में लोगों ने अलग अलग ढंग से अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन किया, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें कि जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त है वो अरहेनियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है एंड लेबिस का कॉन्सेप्ट है। इन तीनों में ये सवाल करना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है कि हम किसी एक को सही या किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकेंगे, क्योंकि ये सारे थ्योरीज एक के बाद एक आई थी। तो जब भी अगली थ्योरी आती थी तो वो थोड़ी डेवलप्ड वर्जन की होती थी और उसमें उन सारे कॉम्प्लेक्सेस को भी एक्सप्लेन किया जाता था जो कि पिछले थ्योरी में शायद कहीं छूट गया था। तो इस तरह से एसिड और बेस
16th सेंचुरी से हम लोग उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं और आज तक अभी तक अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। अभी इसके बाद भी कई थ्योरीज हैं जिसमें कि उसानोविच कॉन्सेप्ट आता है, HSAB प्रिंसिपल आता है, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट जो कि जॉर्ज पियर्सन का है। तो अलग अलग समय पे आज भी हम लोग एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक वीडियोस मैं अपलोड करूंगा और जो भी आप लोगों को डाउट होता है, क्योंकि मैं एक वीडियो क्लास के रूप में पढ़ा रहा हूं, जब मैं ओपन क्लास में होता हूं तो वहां पर मैं इजी वे में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो बच्चों के क्वेश्चन के कारण वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होता है, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैमरे के सामने पढ़ाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसमें कि आप सिर्फ उन्हीं बातों को बोल पाते हो जो कि आपके दिमाग में आया और आपने उसको बोल दिया, लेकिन आपको बहुत सारा डाउट होता होगा। तो आपको जो भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड उसको आप कॉमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, प्लीज़ एक चीज़ का मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जब भी किसी वीडियो में कोई कमेंट करो तो आप उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए। आप टॉपिक रिलेटेड कमेंट जो है उस वीडियो में आप करिए और मैं उसके आंसर को देने का कोशिश करूँगा कि जो भी उसका आंसर होगा तो मैं उस कमेंट में आपको मेंशन कर दूँगा। ज़्यादा इधर उधर के कमेंट्स को नहीं देना है क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको जो भी आता है, सिर्फ एसिड और बेस के बारे में मैंने बाकी और यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया, ना तो रिएक्शन ना कुछ कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ एसिड के हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है कि हम लोग एसिड के बारे में हमने कब से सोचना शुरू किया और आज तक हम क्या कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाने का एक कोशिश किया अपनी तरफ से कि बच्चों को बताया जा सके कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है। तो आपका जो भी कमेंट हो, आपका जो भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो के